जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन यानी कि समसामयिक भारतीय शिक्षा। इस सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अगले 5 वीडियो में हम इस पूरे संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं समझने वाले आसान वीडियो में। तो इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं कि इस पूरे सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कैसे आपको इसका आंसर्स लिखना है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से। दोस्तों इसमें सबसे पहला बेसिक पॉइंट्स आपके लिए ये है कि इसमें टोटल 5 यूनिट है और 5 यूनिट में जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये बिल्कुल वही यूनिट है जो आपने नॉलेज एंड करिकुलम में पढ़ा था। दोस्तों भारत के जो एरा रहे हैं, जो शिक्षाकालीन रहे हैं, शिक्षण सत्र रहे हैं, जैसे कि बौद्धिककालीन शिक्षा, मुस्लिमकालीन शिक्षा और वैदिककालीन शिक्षा, इन तीन कालीन शिक्षाओं की क्या विशेषताएं थी, इसका अवधारणा, इसका उद्देश्य, इसमें क्या गुण और क्या दोष थे, इनके पाठ्यक्रम कैसे होते थे, इसके बारे में पढ़ना है। जो कि सेम चीज़ आपने नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम अपने दूसरे विषय में भी पढ़ी होगी, एक बार फिर से आपको पढ़ना है। और ये पहला पूरा यूनिट ही यही है कि आपको बताना है कि बौद्धिककालीन शिक्षा का अवधारणा क्या था, उनकी विशेषताएँ क्या थी, उनका उद्देश्य क्या था, उनके बीच में गुरु और शिष्य के बीच में संबंध क्या था और क्या उसके दोष थे, क्या उसकी कमी थी और क्या उसके फायदे थे। तो ये हो गया बौद्धकालीन। सिमिलरली सेम क्वेश्चन आपके वैदिककालीन, सेम क्वेश्चन आपको मुस्लिमकालीन के बारे में भी पूछा जाता है। तो पहला यूनिट आपका पूरा यही है। दूसरा यूनिट दोस्तों, दूसरा यूनिट बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा है, आपको देखना है। दूसरा यूनिट है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब भारत में आज़ादी से पहले शिक्षा का स्वरूप कैसा था, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में पढ़ना है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है दोस्तों, 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट, उसके बाद मैकालिस मिनट, उसके बाद वुड डिस्पैच, उसके बाद वर्धा शिक्षा योजना और गोखले बिल, ये जो चार पॉइंट है। और ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट दोस्तों, आपको अपने हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे ब्रिटिश ने हमारी एजुकेशन सिस्टम को बनाए रखा, अंग्रेजी का हावी कर देना, ये कैसे सारी चीज़ें हुई, इसके बारे में पढ़ना है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि सेकेंड यूनिट आपका है कि भारत की आज़ादी से पहले कैसे शिक्षा थी, एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट ईरा, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों चार्टर्ड एक्ट। जैसे सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल आपसे पूछा जाता है कि आप चार्टर्ड एक्ट 1813 ईस्वी के बारे में बताइए। चार्टर्ड एक्ट में कुछ धाराएं जोड़ी गई थी, जैसे धारा 43 की व्याख्या करिए। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि प्राच्य पश्चात विवाद क्या था, ठीक है, प्राच्य पश्चात विवाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से जुड़ा हुआ है चार्टर्ड एक्ट 1813 से। उसी को सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले आए थे, तो मैकाले का विवरण पत्र जिसको हम मैकालिस मिनट कहते हैं, 1834 या 1835 के बारे में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आता है वुड डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र, और फिर नेशनल एजुकेशन मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, इसके बारे में कैसे भारतीयों ने अपनी शिक्षा के लिए आंदोलन किया, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद से फिर लास्ट पॉइंट इस यूनिट में है, वो है गोखले बिल और वृद्धा शिक्षा योजना। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, और कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, 15-15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 101% इनसे एक सवाल आ रहा है। तो दोस्तों दो यूनिट आपको समझ में आ गई, पहला यूनिट यही था बौद्धकालीन, मुस्लिमकालीन और वैदिककालीन शिक्षा के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले भारत का शिक्षा स्वरूप कैसा था उसके बारे में पढ़ना है। थर्ड यूनिट देखते हैं दोस्तों, थर्ड यूनिट में आपको एजुकेशन इंडिपेंडेंट के बाद से, आज़ादी के बाद से शिक्षा का स्वरूप कैसा रहा, कुछ एजुकेशन कमीशन बने, कुछ एजुकेशन बोर्ड्स बने, कुछ नई NEPs, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज लाई गई, उसके बारे में पढ़ना है। तो जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिया गया, जो आपको इस एग्जाम से पढ़ना है, उसमें से कुछ पॉइंट ये है, इसमें आपको पढ़ना है एजुकेशन कमीशन के बारे में, जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और NEP में आपको दो पॉइंट दिया है, लेकिन आपको तीन पॉइंट मैं तो रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। यहाँ पर कहा गया कि एजुकेशन पॉलिसी 1986 और 2020, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों एक और आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो ये दोस्तों आपके टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके लिए। एजुकेशन कमीशन में आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पढ़ना है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पढ़ना है, और खुद ये भी पढ़ना है कि एजुकेशन कमीशन होता क्या है।
और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो है 1986, 2020 और एक NCF 2005 जरूर इसको जोड़ लीजिए, उसको भी पढ़ा जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए ये हो गई बात तीन यूनिट की, अब चलते हैं हम चौथे यूनिट में। आपको फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है बच्चों? फोर्थ यूनिट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें उसमें क्या पढ़ना है, जैसे भारतीय शिक्षा में ना कुछ क्रिटिकल इश्यूज रहे, जैसे कि बहुत ऐसा प्रांत अभी भी है या फिर वैसे लोगों की एक थॉट है कि वुमेन एजुकेशन, मतलब यार आप देखेंगे तो बॉयज मोस्टली हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जबकि गर्ल्स को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता, उनसे कहा जाता कि आसपास के ही यूनिवर्सिटी में देख लो। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए कि किसी लड़के का सेंटर दिल्ली चला गया, आप यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जो कि दिल्ली से दूर है, तो एक लड़का है तो वो तो इजीली एग्जाम देने चला जाएगा, मगर एक लड़की है उसका सेंटर अगर कहीं स्टेट से बाहर चला जाता है तो एक पल के लिए इसको सोचना पड़ता है कि कौन लेके जाएगा, क्या करेगा, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसमें जो पहला पॉइंट था कि वो है वुमेन एजुकेशन, राइट, जैसा कि स्त्री शिक्षा जिसको आप कह रही है। उसके अलावा एजुकेशन टू लिव टुगेदर, मतलब एक साथ रहने के लिए शिक्षा, कि सारे समाज वर्ग ऊंच नीच के जाति के लोग सब एक साथ रह सके, मतलब एजुकेशन टू लिव टुगेदर, सब एक साथ रहें, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, मतलब एक नागरिकता के लिए शिक्षा की, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देश के नागरिक हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें, आपका हक है, अधिकार है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एंड इस यूनिट का लास्ट पॉइंट है वो दोस्तों एजुकेशन फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब एक राष्ट्रीयता की भावना, एक देश अपना घर है, अपना देश है, इसकी हिफाजत करना है, इसका सम्मान करना है, इसके लिए हमेशा सेवा करना है, इसकी भावना के बारे में पढ़ना है। तो ये है दोस्तों यूनिट इसके बारे में। थोड़ा सा एक और पॉइंट आता है जैसे पीस एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, शांति शिक्षा या समावेशी शिक्षा, इसके बारे में अक्सर पूछ, मतलब आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं दिया गया, मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका ओवरऑल फोर्थ यूनिट। अब हम बात करेंगे द लास्ट यूनिट ऑफ दिस सिलेबस एंड विच इज द फिफ्थ यूनिट। ओके, फिफ्थ यूनिट में आपका पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल फॉर एजुकेशन, की मतलब भारतीय के संविधान में एजुकेशन शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है, कौन कौन सी अनुच्छेद में, कौन कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र है, क्या चीज़ें कही गई हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और आपका सेकेंड पॉइंट है बच्चों रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, मतलब कि संविधान के महत्व को बढ़ाने के लिए शिक्षा का क्या भूमिका है, शिक्षा के माध्यम से हम कैसे संविधान को जान सकते हैं, संविधान के करीब आ सकते हैं, संविधान में दिए गए अधिकारों का पालन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपके फिफ्थ यूनिट में। और तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि कुछ नए प्रयोग किए गए हैं शिक्षा के, जैसे कि एजुकेशन इज SNDT, एक नई यूनिवर्सिटी लाई गई, उसके बारे में पढ़ना, जैसे डिस्टेंस लर्निंग को आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस लर्निंग एक नया प्रयोग है हमारी शिक्षा के व्यवस्था में। उसके अलावा एकलव्य शिक्षा योजना, इसके अलावा वनस्थली विद्यापीठ शिक्षा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये कुछ तीन पॉइंट्स हैं इसके बारे में पढ़ने से, ऐसे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये कंप्लीट सिलेबस है। और जो मैंने बता रहा हूँ इस पूरे एक यूनिट से आपको हर यूनिट से आपको 15-15 नंबर के मिनिमम प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट से आपको प्रश्न बनाए जाएंगे, और एक बार जब आप पॉइंट्स को समझ लेंगे ना आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इन सारे यूनिट्स के एक यूनिट में सबको कुछ कवर कप करने की कोशिश की जाएगी, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो वीडियो लिंक दे दूंगा जिसमें एक वीडियो में मैराथन में हम जैसे कंप्लीट करेंगे, जैसे एक वीडियो में हम बौद्धकालीन, मुस्लिमकालीन, वैदिककालीन तीनों कालीन शिक्षाओं को देखें, एक ही वीडियो में हम 1813 से आज्ञा पत्र, प्राच्य पश्चात विवाद, मेकाले का विवरण पत्र, इन सारे पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया ओवरऑल आपका सिलेबस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के BEd के बच्चों के लिए, बहुत थोड़े से बच्चे जुड़े हैं, मगर हाँ साथ में हम वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। मुझे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जरूर ज्वाइन करें ताकि एक टीम बना के हम अगले पूरे साल तक पढ़ सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी आप मुझे किस सब्जेक्ट्स पर चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ वो कमेंट में जरूर बताइए। बाकी जो मैराथन क्लासेस है जिसमें 5 वीडियो में ये ख़त्म करना है, ये सीरीज़ यहाँ पर जारी रहेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न आप हमसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।